जो लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति या जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो सभी जानते होंगे कि हमेशा डर के साए में जीने वाले चीन के कमजोर पड़ोसी देश अचानक दहाड़ने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इन देशों में अचानक इतनी हिम्मत और ताकत आ गई है कि ये खुले तौर पर चीन का विरोध करने लगे हैं। अब भारत ने चीन से परेशान इन सभी देशों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। भारत सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो हो गई है। भारत सालों से इस रणनीति पर मेहनत कर रहा था और इसी रणनीति की वजह से भारत को जीत मिल गई है। भारत के दुश्मन चीन के 5 पड़ोसी देश उस पर मिसाइल की तरह टूट पड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें उसने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। लेकिन अब इस नक्शे के खिलाफ चीन के पड़ोसी फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, नेपाल और ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इन सभी देशों ने चीन के इस नए नक्शे को खारिज कर दिया है। इन देशों ने आरोप लगाया है कि चीन उनके क्षेत्रों पर भी दावा कर रहा है। मजे की बात देखिए कि चीन पहले भी इन 5 देशों के क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता था, लेकिन पहली बार इन सभी देशों ने बोलने की हिम्मत दिखाई है। इस हिम्मत का श्रेय आप भारत को दे सकते हैं। भारत ने जबरदस्त कूटनीति और रणनीति के तहत चीन के सभी पड़ोसी देशों को इतना मजबूत बना दिया कि ये सच बोलने से अब नहीं डरते। इन सभी देशों ने कहा है कि चीन जमीन के अलावा समंदर में भी इन सभी के इलाकों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर समंदर पे कब्जा कर रहा है, लेकिन अपने देश की सीमा को बचाने के लिए ये सभी भारत के पास आए हैं। फिलीपींस ने तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की इच्छा जताई है। कुछ समय पहले भारत ने पहली बार वियतनाम को INS कृपाण नाम का युद्धपोत मुफ्त में दे दिया। भारत ने 2023 में मालदीव को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जहाज भी उपहार में दे दिया था। इसके अलावा भारत ने 2020 में INS सिंधुवीर नाम की एक पंडुपी म्यांमार को सौंप दी थी। चीन भले ही नक्शे में भारत के हिस्सों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने तो चीन के पड़ोसियों की मदद से ही चीन को घेरना शुरू कर दिया है। चीन के पड़ोसी देशों को हथियार मिल रहे हैं, भारत की सुरक्षा मिल रही है, इसीलिए इन देशों ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये देश अब खुलकर भारत के समर्थन में भी बयान दे रहे हैं।